असलमस मैं हूं आपका फिल्म मैन जरारजवी प्रोग्राम सच लेके हाजिर हुआ हूँ फ़िल्म का टॉपिक हो क्रिकेट का टॉपिक हो सियासत का टॉपिक हो या कोई जनरल टॉपिक हो जो बोलूँगा सच बोलूँगा सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा इस इदुल फितर को पाकिस्तान से चार उर्दू और लाहौर से तीन पंजाबी फिल्में रिलीज़ की गई मुझे अफसोस भी है और दुख भी है कि हमारे हमारी फिल्म इंडस्ट्री के जो अरबाब इख्तियार हैं जैसे लाहौर में हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के चेयरमैन हैं जनाब चौधरी कामरान चौधरी साहब कराची में प्रोड्यूसर एसोसिएशन के चेयरमैन हैं शेख अमजद रशीद साहब और प्रोड्यूसर एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन सफदर मलिक साहब वो हैं लाहौर में आप लोगों को पता था कि चार फिल्में कराची की और तीन पंजाबी की जिसमें तेरे बाजे की राखी वो वेनेप्लेक्स के लिए फिल्म थी तो आप लोगों ने सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टरों को इकट्ठा क्यों नहीं किया आप लोगों ने कोशिश क्यों नहीं की कि ईद को दो उर्दू फिल्में और एक पंजाबी फिल्में लग जाएं, तीन फिल्में लगती हैं तो आप सबको शो सही मिलते मगर आप लोगों ने ऐसा कोई काम नहीं किया आपको पता था सबको कि ईद के तीन दिन के बाद हॉलीवुड की फिल्म आ रही डक्स एंड स्टेंजर में खाल है और आप लोग सबको पता था कि पौने तीन करोड़ की उसकी बुकिंग हो चुकी है आप लोगों ने उस फिल्म को एक दो वीक के लिए रुकवाने की कोशिश क्यों नहीं की जबकि आप सबके मिनिस्टरों से भी ताल्लुकते हैं पीटीआई के लोगों से भी ताल्लुक हैं नून लीग के लोगों से भी ताल्लुक आते हैं आपके पीपल्स पार्टी के भी लोगों से ताल्लुकते हैं मगर आप फिल्म रुकवा ना सके चार चार उर्दू फिल्में रखी उनको आप दो नहीं कर सकेंगे दो लगाएं और जब फिल्म कोई देखने नहीं आया और नुकसान हुआ तो आप एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं ग़लती आपकी अपनी है तो याद रखें जहन में एक बात मेरी फ़िल्म तीन करोड़ दो करोड़ की हो या दस बारह करोड़ की जो भी फिलाप होगी नुकसान होगा प्रोड्यूसर का इतना नुकसान नहीं होगा जितना पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है और होता रहेगा क्योंकि हमारे पास पौधे तो ज़रूर हैं मगर पौधों पर काम करना जो तो चाहिए आप लोगों को वो नहीं कर रहे और ये सबसे ज्यादी कर रहे हैं आप क्योंकि अगर अगर आपको अल्लाह ने कोई उदा दिया है तो उसका सही इस्तेमाल करें और सही काम करें अगर आप लोगों से नहीं होता तो पाकिस्तान इंडस्ट्री के लोगों से बात करें इसम्बली इस हाल के पास प्रेस क्लब में एजिटेशन करें कराची वाले शेख अमजद रशीद साहब कराची के प्रेस क्लब में सबको इकट्ठा करें लाहौर से चौधरी कामरान साहब और सौदा मलिक साहब सबको इकट्ठा करें प्रेस क्लब में और सैनमा ऑनर से भी और गवर्नमेंट से सबसे एक बात की जाए गवर्नमेंट को चाहिए है कि सैना सैना ऑनर को वो एक बात समझाएं कि पाकिस्तान की जो फिल्म लगती है उसमें से अगर करोड़ रुपए का बिजनेस होता तो थर्टी परसेंट सैनमा ऑनर लें और 70 परसेंट पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर को दिया जाए इंडिया और हॉलीवुड की जो फिल्में लगती हैं उससे आप 50 परसेंट रखें मगर पाकिस्तान की फिल्म से आप 30 परसेंट लें आपको पता है फिर हमारा कुछ अरसे के लिए टैक्स भी फिल्म इंडस्ट्री के लिए फ्री कर दिया गया था उसके लिए भी इंडस्ट्री से बात की जाए कि चार पाँच साल गवर्नमेंट टैक्स हमारा जो है वो बाकायदा ऐलान करें कि चार या पाँच साल के लिए फ्री है एक ये काम करें और सैनमा ऑनर्स को चाहिए है जो सिनापैक्स सैनमा वाले हैं उनके लिए मैं एक, एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आपसे कम से कम पचास पचहत्तर जो आगे की सीटें हैं उसके रेट कुछ कम करते हैं जो हमारा छोटा तबका है ग़रीब तबका है वो भी सैनापैक्स में आगे देख सके ज़रूरी है उससे ये होगा कि आपकी फ़िल्म कम से कम हाउसफुल ज़रूर रहेगा जो डेढ़ सौ सीटें हैं उस पर पंद्रह या बीस आदमी बैठ के फिल्म नहीं देखेंगे कम से कम सौ डेढ़ सौ सवा सौ बैठ के फिल्म देखेंगे ले इसके लिए ज़रूरी है कि आप आगे के टिकट पचास या पचहत्तर के रेट्स कम करें कि गरीब तबका भी आके फिल्म देख सके क्योंकि फिल्म मास देखता है गरीब तबका देखता है कोठियों महलों में बैठे हुए फिल्में नहीं देखते हैं वो तो बेचारे अपने उन्होंने घरों में बेसमेंटों में सिनेमा हॉल बनाए हुए वो सारी फिल्में वहाँ देख लेते हैं तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि ये करें तेरे बाजे की राखी सैनपैक्स शर्मा में लगाई गई सफर मलिक साहब मैं आपसे भी रिक्वेस्ट है मेरी और अमजद रशीद साहब जिन्होंने कराची और पंजाब में फिल्म लगाई नूर साहब को भी से भी बात कर रहा हूँ मैं क्या आप सबको पता है कि आप ईद को पंजाबी फिल्म लगाने जा रहे हैं मगर आपको ये भी पता होना चाहिए आपके इल्म में होना चाहिए कि जो हमारे पंजाब के लोग कराची में रह रहे हैं मुख्तलिफ शहरों के जो पंजाब के लोग कराची में बिज़नेस कर रहे हैं और जॉब कर रहे हैं नौकरियाँ कर रहे हैं उन सब ने ईद करने पंजाब आना था जब आपका कराची पंजाब के लोगों से खाली हो गया तो पंजाबी फिल्म वहाँ कौन देखता तो कम से कम आपको ईद के दिन कराची हैदराबाद में फिल्म नहीं लगाना चाहिए थी इंतज़ार करते पंजाब में आप सही प्लानिंग करके लगाते और तीन चार वीक के बाद दो वीक के बाद आप फिर कराची में फिल्म लगाते और वैसे भी ईद को देखी तो नहीं गई कराची में इसलिए आपसे गुजारिश है सबसे कि आप तीन चार वीक के बाद बकरी से दो तीन वीक पहले आप तेरे बाज़े गिरा की कराची लगाएं तो इन रिज़ल्ट अच्छा आएगा अच्छा ईद को जो फिल्में लगी हैं उसमें जो फिल्म जिसको कहते हैं वो मैं समझता हूँ यासिन नवाज़ की चक्कर सबसे अच्छी गई है और बिजनेस पॉइंट ऑफ यू से घबराना नहीं वो अच्छी गई क्योंकि घबराना नहीं की एडवर्टाइजिंग बहुत अच्छी की गई थी और फिर सबसे बड़ी बात है कि उसमें सवा कमर भी थी और जान रैम्बो भी तो सारी बात है जान रेम्बो की भी व्यवरशिप है और सबा कमाल की तो है तो इसलिए उनकी दोनों की लाइकिंग थी इसलिए वो फ़िल्म ज़्यादा लोगों ने देखी मगर फिल्म जो थी सही मानो में वो चक्कर थी जिसको फिल्म कहना चाहिए तेरे बाजे की राखी भी अच्छी फिल्म है बुरी नहीं कर सकते आप मगर आपने वो एडवर्टाइजिंग ही नहीं की सिनेमा बुलाने के लिए पब्लिक को बुलाने के लिए एडवरटाइजिंग ज़रूरी है आप लाखों करोड़ों रुपए की फ़िल्में बना लें और एडवर्टाइजिंग ना करें और घर बैठ के आपकी फ़िल्म को कोई फिलाप कर दे या हिट कर दे तो क्या आपको दुख नहीं होगा तो इसलिए ज़रूरी है कि आप कितने करोड़ की फिल्म भी बनाएं बीस पच्चीस लाख तीस लाख एडवर्टाइजिंग के लिए ज़रूर रखी गया क्योंकि सिनेमा में पब्लिक को बुलाना ये प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर का काम है अभी हम हमारी ईद को फिल्में जो लगी हैं जिसकी वजह से नुकसान करोड़ों रुपए का हुआ अभी हमारी आंखों में आंसू खुश्क नहीं हुए हैं तो अभी हमारे रोने का सामान तीस तीन जून को फिर किया जा रहा है फिर वही अनप्लानिंग तीन जून को तीन फिल्में लगने जा रही हैं खेल कमली थोड़ी सेटिंग थोड़ा प्यार क्या ये अपने साथ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुल्म नहीं है आप खुद फिल्म इंडस्ट्री को तबाह कर रहे हैं इसमें किसी एक को जो नहीं है बदकिस्मती यह है कि नए नए लोग फिल्म बनाने आ गए नए नए प्रोड्यूसर हैं नए नए डायरेक्टर हैं उन्हें पता ही नहीं है भाई फिल्म बनाना इतना काम नहीं है क्योंकि आप जैसे जो डायरेक्टर बने आप लोगों को कंप्यूटर ने डायरेक्टर बना दिया है जब से हमारा ये इलेक्ट्रॉनिक कैमरे आए हैं और कंप्यूटर आया है कंप्यूटर को देख के हर शक्त डायरेक्टर बन गया है वो इस वक्त हमें पाकिस्तान इंडस्ट्री को नुकसान पहुँचा रहा है आपने फिल्म तो बना ली आपको पता ही नहीं कि फिल्म लगाई कैसे जाती है रिलीज़ कैसे की जाती है पहले आपने चार उर्दू फिल्में लगा के ईद को तबाह बर्बाद किया है पैसा ये प्रोड्यूसर का नहीं ये पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को तबाह कर रहे हैं आप लोग अब ऐसे ही तीन फिल्में तीन जून को लगेंगी क्या इसका अंजाम होगा आपको अंदाजा है तीन शो होते हैं एक दिन में तो एक एक शो के लिए फिल्म बनाई आपने तीन तीन चार चार पाँच पाँच करोड़ की एक एक शो के लिए फ़िल्म बनाते हैं खुदा रहा मेरी डिस्ट्रीब्यूटर से भी रिक्वेस्ट है प्रोड्यूसर से भी रिक्वेस्ट है कि खुदा रहा अपने ऊपर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पर रहम करें शेख अमजद रशीद साहब से मेरी रिक्वेस्ट है चौधरी कामरान चौधरी कामरान साहब से रिक्वेस्ट है कि खुदा रहा इन प्रोड्यूसरों को रोकें इनकी फिल्म की एक प्लानिंग करें फिल्म एक लगे हर हफ्ते एक लगे जो हम कंटिन्यू फिल्म लगती रहे हर वीक सिनेमा को फिल्म चाहिए और आपके महाशी हालात मिल के इतने अच्छे नहीं कि आपकी तीन तीन फिल्में देखने लोग फहमी आएँगी आपके सैनब प्लेक्स का टिकट सात सौ पाँच सौ हज़ार रुपये तक का है तो एक आदमी का एक हज़ार रुपये खर्चा है अगर एक घर से चार आदमी आते हैं तो चार हज़ार हो तो तीन फिल्में लगेंगी तो बारह था की अपनी फिल्में देखे, एक फैमिली देखेगी कभी नहीं देखेगी तो खुदा रहा अपनी फिल्मों को फिलाप ना करवाएं अपनी पाकिस्तान इंडस्ट्री को तबाह न करवाएँ और प्रोड्यूसर हजार से भी को अपने ऊपर भी रहम कहें बड़ी मेहनत से पैसा कमाया जाता है यूँ अपने पैसे को आग में ना झोंकें अपने पैसों को ना जलाएँ बड़ी मेहनत से पैसा आता है इसका सही इस्तेमाल करें और जो बड़े बड़े बजट की फिल्में बना रहे हैं उनको ना बनाएं प्लीज़ पाकिस्तान के महाशी हालात ऐसे नहीं हैं कि बड़े बड़े बजट की फिल्में बनाएं आप पचहत्तर लाख से ले करोड़ और करोड़ से ले कर डेढ़ करोड़ तक की फिल्म बनाएँ आम डेज़ में ईद के लिए अगर एक दो फिल्म कोई बड़ी बनती तो तीन चार करोड़ की बन जाए इससे ज़्यादा बजट की फिल्में ना बनाएं पाकिस्तान के लोग अपना सरमाया बर्बाद ना करें अपनी बेवकूफ़ियों अपनी गलतियों से पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को तबाह ना करें हम तो वैसे तबा बर्बाद हो गए हम संभल ही नहीं सकते अगर आप जो बार बार गलतियाँ करेंगे ना तो खुदा रहा डरें और कोशिश करें कि हर हफ्ते सिर्फ एक फ़िल्म लगे क्या ख्याल है आपका